जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों जो है एक सीआरपीएफ द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है ना, उस नोटिस को जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ किस प्रकार से क्या कुछ बातें उस नोटिस में की गई है। ठीक है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी जो है मैंने इंपॉर्टेंट समझा उस नोटिस को और आप लोगों के लिए जो है यहाँ वीडियो बना के लिए। क्या हो गया दोस्तों, क्योंकि आदत हो चुकी है आपके SSGD वालों को जो है हर एक इन्फॉर्मेशन देने की। ठीक है, इस वजह से मैंने सोचा वीडियो आप लोगों को बता दी जाए। ठीक है, फिजिकल के पहले इंपॉर्टेंट जानकारी जो है सीआरपीएफ द्वारा जो है नोटिस के द्वारा बताई गई है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए पल पल के अपडेट के लिए। तो चलिए नोटिस की ओर लेके चलता हूँ आप लोगों को। देख सकते हैं यहाँ पर आप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, तो ये आपका जो है नोटिस जारी किया है सीआरपीएफ ने। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नोटिस ये जो नोटिस आया वो है। ठीक है, अभी कल कल ही जो है नोटिस जारी किया गया है। द रिजल्ट ऑफ द रिटर्न एग्जामिनेशन CBE ऑफ कैंडिडेट सॉरी कॉन्स्टेबल GD इन CAPFS NIA SSF एंड असम राइफल्स। ठीक है, GD इन ये बाकी जितनी भी आपकी पोस्ट है। ठीक है, वाज डिक्लेयर्ड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑन 20/6/2019। ठीक है, तो आपको 20/6/2019 को ये आप लोगों का जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, वही बात यहाँ पर बोली गई है। आगे क्या कहा गया, ठीक है, तो आपका यहाँ पर 5,34,052 जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है। ठीक है, उनका फिजिकल, ठीक है, जो आपका फिजिकल इफेंसिटी टेस्ट जो है वो आपका होने वाला है। ठीक है, जो कि 13/8/2019 से लेकर, ठीक है, 13/8/2019 से 25/9/2019 तक, मतलब यहाँ पर आपकी जो लास्ट फिजिकल होने वाले हैं वो 25/9 मतलब 25 सितंबर को आपके फिजिकल समाप्त होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जो आपके सेंटर बनाए गए हैं वो आपके कितने बनाए गए हैं, वो आपके बनाए गए हैं 100। ठीक है, इस बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वेबसाइट जो है crpf.gov.in पर जो है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट वास जो एडवाइटेस टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि आप जो CRPF की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया, वहाँ से जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे जो बोला गया है यहाँ पर कि ऑल कैंडिडेट आर, ठीक है, डायरेक्टेड टू वे जो ब्राइंडेड कॉपी ऑफ जो ईमेल एडमिट कार्ड, मतलब यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो है प्रत्येक कैंडिडेट को जो है आपके एडमिट कार्ड की कॉपी जो है लेके आना है ना, और कार्ड टू द टाइम ऑफ PST PET कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड, मतलब आपको परमिशन नहीं दी जाएगी विदाउट एडमिट कार्ड, मतलब आपका पास एडमिट कार्ड नहीं है तो आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, इस बात का आपको याद रखना है। टोटल आपके जो शिफ्ट जो आपके फिजिकल कितने दिन तक चलने वाला है, तो आपके 13 से लेकर 25 तक फिजिकल चलने वाले हैं, वहीं 100 जो है इस एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों तक पहुंचानी थी। ठीक है, और जिन लोगों का जो है आपका OBC वालों के लिए जो है इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको सेंट्रल का जो है जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, बना लेना है, क्योंकि वो वहाँ पर 1 साल पुराना ही मांगा है। ठीक है, तो कोई भी कमेंट मत कर लीजिएगा कि मेरा 2017 का है कि मेरा 2016 का है, चलेगा नहीं चलेगा। तो आप लोगों को मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि 2018 के बाद का, ठीक है, सॉरी मतलब 19, ठीक है, 19 का ही आप लोगों को जो है नया बनवा लेना है, 5 से 7 दिन के अंदर जो है बन जाता है। ठीक है, उम्मीद है काफ़ी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिल गई है। ठीक है, तो पल पल के अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करते चले। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।